This video is in collaboration with Truly Madly. It is a serious dating app where you can find your forever wala love. So do check it out. Guys, finally वो दिन आ गया जब हम देने वाले हैं आपको अपना होम टूर, कम स्टूडियो टूर, कम अंबानी का विला का टूर. अरे भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुमसे ना हो पाएगा, इंट्रो मैं करती हूँ. हम थोड़ा स्टाइल में इंट्रो करेंगे. सदियों पहले हमने देखा था ये ख्वाब. सदियों पहले मतलब यू मीन टू से 100 साल पहले. लगभग पिछले जन्म में ख्वाब देख लिया था इसने अपना. पिछले जन्म में देख लिया था मैंने. रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा ना. इसका ना मेरा एक नए स्टाइल में इंट्रो करते हैं, आपको दिखाते हैं अपना होम टूर अपने न्यू फैमिली मेंबर के थ्रू. हमारे न्यू फैमिली मेंबर से हर्ष ने तो ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो में मुझे प्रैंक कर दिया था. मैंने ना बख्श दिया, तेरे को छोड़ दिया, माफ कर दिया, ठीक है. तो मैंने अपना रोना काम में लाया और इसको बता लिया कि मुझे बेला चाहिए ही चाहिए. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू मुस्कान जो कि यहीं पे हमारी वीडियो रिकॉर्ड कर रही है. ने अग्री करा 4 डेज बेला हमारे पास रह सकती है और 3-4 डेज वो रखेगी. हम लोग अपना वीडियोस भी बना सकते हैं और बेला को टाइम भी दे सकते हैं. तो फिर अब बेला कह रही है कि मैं ही देने वाली हूँ टूर. चलो बेला टूर दो, दिखाओ अपना न्यू होम, सबको दिखाओ. हाँ काम करना पड़ता है हमारे साथ, चलो ऐसे ही नहीं रहना पड़ता. गाइस ये है हमारा लिविंग एरिया जहाँ पे अभी हम हैं और यहीं पर ही हम रहेंगे, यहीं पर ही पड़े रहेंगे पूरे टाइम, यही पड़े रहेंगे. मैं तो काम करूंगी. पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो. 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्चुअली 4, तो लोगों का डुप्लेक्स होता है, ये 4 प्लेक्स है. कुछ भी. तो ये हर्ष कोशिश कर रहे हैं दरवाजा आपको दिखाने की. डोर है, मेन गेट. ये गाइस देख रहे हो आप मेन गेट, कितना ज्यादा साउंड प्रूफ कराया हमने, कितना मोटा गेट आप देख सकते हो. यहाँ से हम एंटर करते हैं, हमें तो पता ही नहीं था. वाह अपने मुंह या मिट्टू. ऑल व्हाइट, बहुत मेहनत करके दिमाग लगा के मैंने ये सारा मेरा दिमाग था व्हाइट रखने. यार बच्चों वाली बात कर रहे हो. जीनियस पॉइंट. यहाँ से हमारा ये UPVC पैनल है जिसमें हमने साउंड प्रूफ ग्लासेस लगाए हैं. 24mm के साउंड प्रूफ ग्लासेस है, ना नॉइज आ सकती है ना जा सकती है. यहाँ से एक्सेस होगा हमारी बालकनी का जो अभी थोड़ी खराब है क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है ना. ओ लाइट्स कर दिए हर्ष ने. यहाँ से वो कॉर्नर नहीं दिखाना चाहोगे? चलो यहाँ से हम लेके चलते हैं आपको एक गुप्त कॉर्नर में जहाँ पे मैं अपना सारा सामान रखने वाली हूँ. डर लग रहा है मेरे को. कौन कौन चाहता है कि हम यहाँ पे लिविंग इन दिस क्लोजेट फॉर 24 आवर्स करें? वरना तेरे को डर नहीं लगता? हर्ष रहेगा वो. भाई मैं नहीं रह सकता ना. नो गॉड प्लीज नो. ये बिल्कुल मेरा आइडिया था कि हम यहाँ पे 4x6 के बहुत सारे डब्बे बनाएंगे क्योंकि हम लोगों का बहुत सारा ट्रैवल का सामान और इधर उधर का फालतू का फलाना ढिमकाना सामान होता है. तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये वाली अलमीरा में हम वो सारा सामान रखेंगे. हर्ष यहाँ पे आ गए एकदम अंदर. यहाँ भी हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज है. तो गाइस मैं चाहता हूँ आप प्रेरणा को चैलेंज दो, 24 आवर्स ही रहे, मैं अंदर आराम करूँ. अगर मेरे को इस वीडियो पे 300K लाइक्स मिले तो मैं यहाँ रहूंगी 100%. फील देख रहे हो यहाँ पे कैसी है ना, एकदम भूतिया स्कैरी सी. मुझे ये तो लगता हमने है कॉर्नर इसलिए बनाया जो भी घोस्ट वीडियो शूट करेंगे यहीं बैठ के. नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये सच है. अभी निकलना तुझे बाहर? हाँ चल बाहर. तो आपको अच्छा लगा हमारा ये जो बालकनी है? मैं यहाँ पे सारे फ्लावर्स एंड पॉट्स रख के डेकोरेट करने वाली हूँ. और किसी के पास अच्छे अच्छे आइडियाज हो ना या मुझे इंस्टाग्राम पे फोटोज भेजो, पिंटरेस्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे फर्निशिंग्स लगानी है, मैं आपको दिखाऊंगी. तो गाइस ये पावर पॉइंट्स को आप अवॉइड कर सकते हो. अभी हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप देख सकते हो ये ऊपर से अभी कैसा दिख रहा है. POP कराई है हमने जो बताने की जरूरत नहीं पड़ी. बता रहे ये बातें बताई नहीं जाती. और ये क्या बन रहा है भाई? मैं पहली बार होम टूर कर रही हूँ ना. ये स्पेशल मैंने लाइब्रेरी बनवाई है. यहाँ पे मैं अपनी किताबें नहीं रखने वाली, यहाँ पे मैं इधर उधर का अच्छा वाला सामान. आज तक कोई बुक पढ़ी है तूने? गजब बेइज्जती है. एक्सक्यूज मी, नाम बताइए. मुझे सारी बुक्स का नाम पता है. नाम बता. PS आई लव यू. अच्छा रिटन बाय? इतनी बड़ी लाइब्रेरी बनाई है गाइस, देख रहे हो खाली रहने वाली है. यहाँ पे शो पीस रखेंगे, कोई बुक्स नहीं रखनी, किसी ने कोई बुक नहीं पढ़नी, ये सब मन का वहम है. यहाँ पे मैं मार्शल के स्पीकर रखने वाली हूँ. हाँ, वो जो मैंने जीते थे राइट. एक्सक्यूज मी सुना आपने बाहर से गाड़ी की आवाज आई ना, अभी हर्ष को बंद करने गया है. इसीलिए समझ रहे हो साउंड प्रूफिंग कितनी जरूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि सारी फूड वीडियो से याद आया. ये सीढ़ियाँ हम आपको बाद में दिखाते हैं,
हम आपको लेके चलते हैं अपने किचन की तरफ जहाँ पे हमने फूड वीडियो शूट किया है, जो कि हमारा ओपन किचन है, वहाँ सीढ़ी पड़ी है, उसे भी आप अवॉइड कर सकते हो। अभी यहाँ पे बहुत काम चल रहा है, पेंटर पेंट्स कर रहे हैं। अच्छा, ये पोज देते हुए हर्ष यहाँ पे खड़े हैं, और ये हमारा ग्रे एंड ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन का किचन आपको मॉड्यूलर दिखाते हैं, पर आप यहाँ देख सकते हो ये कौन है। बेला है, परेशान होकर हमारी बातें सुन के ना सो गई है। वैसे आपको दिखाते हैं किचन, जो कि बड़ी मेहनत से, वाओ किचन वालों ने हमारे साथ बड़ी मेहनत करके इसको बनवाया। सही में अभी इसमें काफी फर्निशिंग बची है वैसे तो। हाँ, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओटीजी लग चुका है, बट ऊपर का माइक्रोवेव अभी पैक्ड पड़ा है। ये हमारा पैंट्री है, सामान सुमून यहाँ पे रखे जाने वाले हैं। तो गाइस, प्रेरणा अपना मैक्सिमम टाइम यहीं स्पेंड करने वाली है, बहुत टेस्टी टेस्टी खाने बना के खिलाएगी हमें। अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। गाइस कमेंट्स में बताओ आप क्या चाहते हो, यहाँ पे पहला लंच डिनर या ब्रेकफास्ट हर्ष बनाए या मैं बनाऊँ? Obviously, लोग कहेंगे तू बनाए, बट बनाना ही पड़ेगा। हर्ष को इतना पसंद है ना खाना बनाना, इसमें भी अगर क्रिप करेगा ना तो फिर यार ये पसंद तो है बहुत। एंड ये ऐसे हमारा पूरा एल शेप किचन, और ये ऐसे करके स्टार्ट हो गया। ओह, हर्ष इसके साथ गेम खेलता रहता है। और इसके अंदर हम सारी क्रॉकरी रखने वाले हैं, अभी तो कुछ भी पड़ा है, बट बाद में सिर्फ यहाँ पे हमारी शूटिंग के लिए जो क्रॉकरी यूज होगी, बेसिकली हम यहाँ शूट करने वाले हैं। आप देख रहे होगी हमने टेबल का आइडिया लिया इस हिसाब से कि हमें एक तो मॉड्यूलर चाहिए था, और वो बोरिंग सा ना डाइनिंग टेबल वाला स्टाइल भी चाहिए था। तो हमने यहाँ पे अब दो स्टूल्स रखेंगे इस साइड एंड दो स्टूल्स उस साइड। यही हमारा स्टाइल है, डिजाइन है। जरूर बताना आपको कैसा लगा हमारा किचन, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। गाइस हम आपको यहाँ का सेटअप बहुत अच्छे से दिखाने वाले हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कॉफी एरिया बना दिया जाए, या फिर वही चेयर्स वेयर्स के साथ कुछ डेकोरेटिव बनाया जाए। इसको तो प्रॉपर हाई एंड चेयर्स लगानी है, बट मेरे को कॉफी वाला सेगमेंट बनाने का मन है। कॉफी पीती एक ग्लास है दिन में, और कॉफी का पूरा एरिया लगा लो, ऐसा क्यों? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यहाँ से हमने बाथरूम बनाया। भाई तुमने क्या मतलब बदला लेने के सारे ये? अरे नहीं यार, तेरे को पता नहीं मुस्कान आई थी। अबे पर यहाँ बाथरूम में छुप के बैठी है, और क्या मजा आया यार। एक तो हम यहाँ पे 1 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं, और तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, डरा रहे हो मुझे। तेरे साथ सिर्फ प्रैंक ही प्रैंक हो रहे हैं। क्या बोला तूने? वेलकम टू माय बाथरूम प्रेरणा। गाइस हमने डिसाइड किया है कि बाथरूम के पीछे झगड़ा ना हो, तो ये बाथरूम हर्ष का, ऊपर वाला बाथरूम मेरा। यार तू दोनों रख ले, मेरे को चाहिए ही नहीं। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आपको बाथरूम दिखाते हैं, ये भी हमने पूरा ग्रे एंड ग्रे थीम में बनाया है। अभी नीचे से काफी सफाई होने वाली है। तो गाइस आपने देखा बेला ने कितना अच्छा टूर दिया है। बेला थैंक यू, बहुत अच्छा टूर दिया है। हाँ ठीक है कर रही हूँ मैं, फालतू परेशान करते हो मुझे, ये तो छोटे मोटे काम खुद करा करो। तो गाइस ये मेरा फोटो सेशन वाला एरिया है, यहाँ पे मैं इस वॉल को पूरी डेकोरेट करूंगा, और मैं फोटो। एक मिनट, आइडिया चोर, मैंने बोला था कि इस वॉल पे मैं अपनी डेकोर लगाने वाली हूँ। ऐसे लग रहा है भाई कोई खड़ा है जिसका सर में धड़ धड़। ओ गॉड यार, बेला भौंक भी रहा है, वर्षा पे कहीं कुछ है तो नहीं ना? चुप रहे, कुछ नहीं, जल्दी आओ। मुझे डर लग रहा है यार, अंदर लाइट भी नहीं है। तो ये हमारा लॉबी एरिया है, लॉबी की ये वाली वॉल जो है ना, इसको हम पूरा डेकोरेट करने वाले हैं। आई थिंक मिरर लगाएंगे, और जो जैसे वो होटल्स के अंदर होता नहीं है टेबल्स होते हैं जिसमें बड़े बड़े वास रखे होते हैं और डेकोरेटिव आइटम्स होती हैं, बिल्कुल वैसे बनाने वाले हैं। लाइक और जब गुस्सा आएगा तो वो वास प्रिंट कर जाएगा या मेरे सर पे जाएगा, हमें सतर्क रहना है। लॉबी से निकल के आगे चलते हैं हम अपने मास्टर बेडरूम की तरफ, जो कि मेरा रूम है। हम दोनों का ही रूम है यार, क्या ये मेरा रूम है? बुरा लगता है भाई। ये वाइट क्लोजेट है, वहाँ पे वाइट ही पंखा है जो कि अभी थोड़ा काला हो चुका है। तो गाइस कैसे लगा मेरा रूम? इस रूम का कलर तो मैं 100% पिंक कराने वाली हूँ। पिंक? यस यार, रूम का कलर पिंक कौन कराता है? ब्लू कलर रखेंगे तो लाइट ब्लू। तेरा रूम भी है ना? अच्छा ना, मैंने ट्रूली मैडली में पहले कंपैटिबिलिटी चेक कर ली होती है, झगड़ा ही नहीं होता ना। अब कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं मुझे ही तेरे ऊपर। ये क्या बात हुई है यार, ये गलत है ना गाइस। देखो मैंने कहा कि मुझे इसका पिंक रखना है, तो मेरा भी कोई ड्रीम है, सपना है, मुझे पिंक रखना है। ये मुझे भी तो ब्लू कराने का मन था। ये भी ठीक है, चल ठीक है, ऐसा करते हैं ब्लू करा लेंगे। अरे नहीं यार तू रहने दे, ऐसा करते हैं पिंक करा लेंगे, कोई इशू नहीं है। कितना क्यूट है ना जब मेरी बात बात है। ऐसा करते हैं ब्लू और पिंक करा लेंगे, अभी हाँ कोई यार, अभी कोई कंपैटिबिलिटी। ब्लू और पिंक की थीम रखते हैं। गाइस हमें तो मिल गया एक दूसरे का साथ, बट आपको भी ढूंढना अपना फॉरएवर वाला लव, तो डू चेक आउट ट्रूली मैडली, एंड कंपैटिबिलिटी टेस्ट लेना मत भूलना, कहीं पेंट पर लड़ाई हो जाए फिर। तो गाइस हमने एक बहुत छोटा सा प्यारा सा ना अपना एक प्रेयर रूम बनाया है, लाइक हमेशा होना चाहिए एक रिलीजियस कॉर्नर आपके घर में, जहाँ पे आप बैठ के प्रे कर सको और भगवान को थैंक यू कह सको। बिलीव नहीं करोगे ये घर कैसा दिखता था
हमने इसको लाइक स्क्रैच से रीबिल्ड करा है। मैं आपको एक छोटी सी स्निपेट दिखाती हूँ, मेरे पास इसकी वीडियोस पड़ी हैं। अब आपको लेके चलते हैं बेस्ट एरिया में, जो मैं आपको एक सेपरेट टूर देने वाली हूँ वॉन्डर्स लाइव चैनल पे, क्योंकि ये हमारा स्टूडियो रूम। और अब जिन जिनको मुझसे कंप्लेंट थी, हर्ष से कंप्लेंट थी कि आप गेमिंग नहीं करते, लाइव नहीं आते, ये रूम तैयार होते सब। अब हम लाइव ही पढ़े रहेंगे पूरे टाइम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, हक जाओगे हमें देख देख के, बट हम आएंगे। चलो अंदर चलते हैं। ओ ये यहाँ फिरा गई, यहाँ कैसे आई ये? बेला चाओ बेबी, आपकी नींद खराब कर दी मैंने, आओ मेरे पास आ जाओ। वॉल पे हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो हम सारी वीडियोस बनाते हैं कुछ भी होता है उसका बैकग्राउंड होगा, और उस वॉल पे जो हमारे सामने होने वाली है यहाँ पे हम लिखवाएंगे बड़ा बड़ा नियॉन लाइट से वंडरस हब। और ये है वो बाथरूम जहाँ पे हर्ष की एंट्री बैग है। मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं ही दिखा दो गाइस, ये है बाथरूम। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? ये पूरा ग्रे एंड व्हाइट थीम में है, आई थिंक इतना प्यारा बनाया है ये बाथरूम। चलो लाइट ऑन करके दिखाओ प्रिंटा। ठीक है, इस बाथरूम में मैं नहाऊंगा। हम यहाँ पे फ्लावर्स और सारे बहुत सारे प्लांटर्स लगाने वाले हैं। ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा होगा कुछ नहीं पर। हाँ यार मेरे हाथ में बेल है। व्हाट इज दिस बिहेवियर? कितना बुरा है, मुझे यहाँ पे मार देगा। इस वॉल पे हम शायद सारे मिरर्स लगवाएंगे, पूरी वॉल मिरर की बनने वाली है, क्योंकि मुझे अपने आप को देखना होता है तो ऑब्वियसली ऐसा तो होगा। How dare you? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। लॉबी से निकल के आप आ गए एक और आलीशान रूम में। द व्यू इतना गॉर्जियस है ना, लेट मी शो यू कि दिन में कैसा दिखता है ये रूम। यहाँ पीछे बेड आएगा, ये अलमीरा है हर्ष की और मेरी, एंड ये हमारा पूरा पैनल है। हर्ष आपको कुछ मैजिक दिखा रहे हैं। मैजिक जाली, क्या बात है, ये जाली लगा रही है ताकि मच्छर ना आए अंदर। और एक मच्छर हमारे साथ है ऑलरेडी, जिसका नाम हर्ष है। इस रूम का इंटीरियर करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये पूरा ब्लैक एंड ग्रे बनने वाला है। सारी डिजाइनिंग मेरी, सारी प्लानिंग मेरी, अब अपना नाम ले लिया हर बार। चल यार हो गया टूर, चलते हैं घर, हो गया। एक सबसे अच्छी जगह रहती है ना, तो सबसे अच्छी जगह तो मिस कर रही। बहुत तेज है ये लड़की गाइस, इसमें इतनी इतनी खूबसूरत जगह बनाई है ना ये। मान गया मैंने बनाई है सच में गाइस। नाउ लेट मी टेक यू टू माय क्लोजेट, वॉक इन क्लोजेट। तो गाइस हमारा क्लोजेट एकदम सेट। एक मिनट, हमारा मेरे कपड़े भी रखेगी ना उस क्लोजेट में, अपना बोल। तो गाइस हम आ गए अपने टेरेस पे, और ये हमारा लॉन्ड्री एरिया। तो यहाँ मैं पीछे इस वॉल पे ये जो पूरी टाइल्स हमने ब्रिक्स लगवाई है पूरी इसी स्टाइल में लगाई है, फोटो दिखाती हूँ, ऐसा बनाना है हमने इसे। पीछे लॉन्ड्री लिखवाने वाले हैं, यहीं पे हमारी वॉशिंग मशीन आएगी। और ये जो छोटू सा आप यहाँ पे देख रहे हो ना, छोटू नहीं एक्चुअली बहुत बड़ा दरवाजा है, इस दरवाजे के नीचे हमारा एक छोटा सा डॉग हाउस है जहाँ पे बेला खेलेगी, इसका सामान होगा। गाइस अब तो हमारी खुद की एक पर्सनल ब्यूटीफुल सी टेरेस है, यहाँ सेटअप करने वाले हैं बारबेक्यू का, टेबल एंड ऑल रखने वाले हैं, पार्टी करेंगे बेसिकली। सामने व्यू इतना फैंटास्टिक है। अभी मुद्दे पे आते हैं, आपको अंदर लेके चलते हैं, जो चीज मैं मेन दिखाना चाहती हूँ। अभी टेक यू इनसाइड माय क्लोजेट, इसका अलग से भी टूर करेंगे अगर आप चाहते हो तो, इसको सेटअप करते हुए दिखाऊंगी। यहाँ पे हम बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें रखने वाले हैं, क्लोथ्स ज्वेलरी एंड ऑल, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेट मी टेक यू इनसाइड। आइए, स्वागत है आपका मेरे क्लोजेट में। मेरे को हमेशा बचपन से एक सपना था, मतलब एक क्लोजेट होना चाहिए, लाइक सारा सामान उसके अंदर हो, फर्निश करेंगे सब कुछ, सामान रखेंगे, एक बार फिर से आपको टूर बनेगा। बट अभी दिखाती हूँ कि कैसा है। पूरा साउंड प्रूफ ग्लास है, एंड आगे चलते चलते आप देख सकते हो ये सारे कॉर्नर्स कहीं हैंगर्स के लिए हैं, कहीं शूज के लिए हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं। गाइस बेसिकली ये क्लोजेट बना इसका है, हाँ, पर इसको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा क्योंकि इसको पता ही नहीं क्या बना है। बनवाया मैंने तो मैं बताता हूँ गाइस, ये है हैंगर जहाँ पे सारे कपड़े मेरे, सूट्स, मेरी शर्ट्स हैंग होगी, यहाँ नीचे भी मेरे कपड़े हैंग होंगे थोड़े दिनों बाद आपको। और यहाँ पे मैं लूंगा कम से कम 10,000 दर्जन चश्मे जो मैं यहाँ रखूंगा, और ये सारे ड्रॉर्स में मैं पता नहीं क्या करूंगा, ये मेरे हैं सारे, पता है एक भी ड्रॉर नहीं दूंगी इसको मैं। कुछ तो दे दे यार। चल एक ले लो, वो कोने वाला दिख रहा है, ये कोने वाला दिख रहा है, ये कोने वाला तेरा ड्रॉर है। यहाँ पे मिरर्स लगेंगे, और यहाँ पे ये अपने वो बैग्स देखेगी जो इसने मेरे से
पागल बना के किसी चैलेंज में लिए थे, वो सारे बैग्स यहाँ पे आए हैं। और ये आप देख सकते हो ये मेरा मेकअप सेंटर, यहाँ पे मैं पूरा एक बैठेगी और चेयर, यहाँ पे एक चेयर आएगी, यहाँ सेंटर में गोल वाला काउच आएगा। पूरी विजन हमारी क्लियर है कि हम क्या करने वाले हैं इस रूम के साथ, एक्चुअली पूरे घर के साथ एक विविड सा आइडिया हो गया है कि हम क्या करने वाले हैं, बट क्लियरली आपको तो पता लगेगा जब हम इसे फर्निश कर देंगे। तो कब करेंगे हम इसे फर्निश? जल्दी फर्निश करेंगे। तो आई होप कि हम और 10 days में यहाँ पे मूव कर जाएं और यहाँ पे सारा बेड एंड ऑल लगा दें। अभी इस हाउस का, इस टूर का एक और पार्ट बचा है जो हमने लास्ट वीडियो में दिखाया था, जहाँ पे पहला बैठ के लैपटॉप पे काम कर रही थी। यस गाइस, एंड वो है हमारा लिविंग रूम, मतलब हमने उसको गेस्ट रूम, लिविंग रूम, पार्टी रूम ऐसा बनाया है क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पे है। तो उसका एक आउटलुक हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, तो क्या ही दिखाना उसको, है ना। ये हमारा ओवरऑल एक स्टूडियो कम होम टूर, क्योंकि यहीं पे खत्म करते हैं। डाउनलोड ट्रूली मैजिक ऐप, फाइंड योर फॉरएवर वाला लव, यूज अ कूपन कोड टू गेट अप टू 90% डिस्काउंट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर्ष, ये वाला वॉशरूम दिखाना तो भूल गए। अबे यार बस कर यार, अगली वीडियो में। ये भैया ने बनाया हमारा घर, देखो विजय भैया और जितेंद्र भैया, इन्होंने हमारा वुडवर्क का काम किया, इनके घर पे बच्चे हमारी वीडियोस भी देखते हैं, सब देखते हैं, एकदम सारा पेंट कर देते हैं, सारा पेंट अखिलेश भैया, बहुत ही शरीफ है, एकदम बढ़िया पेंट, देखो कितना बढ़िया घर है। ये शशि भैया है, शशि भैया ने हमारा सारा वुडवर्क किया और अभी भी कर रहे हैं, देखो हमारी गेमिंग टेबल बना रहे हैं। हेलो, इन्होंने हमारा क्लोजेट बनाया है।